तो गाइज आप में से सभी लोग एक 15,000 रुपए की कीमत में एक बहुत ही अच्छा फोन लेना चाहते हैं। जब भी उनका एक फोन लेने का मन करता है तो उनका बजट ये होता है कि वो अंडर 15,000 की रेंज में एक अच्छा सा फोन लेना चाहते हैं। तो मुझे मालूम है कि आप एक बहुत ही ऑसम फोन लेना चाहते हैं, एक स्टनिंग एंड स्टाइलिश फोन लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे वर्क कर पाएंगे, यानी कि आपको गेमिंग करना हो या फिर मल्टीटास्क वर्क करना हो, डे बाई डे यूज करना हो, सभी में आप आसानी से यूज कर पाएंगे। तो अगर आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि 15,000 रुपये की कीमत में 2020 में सबसे फ़ोन अच्छा कौन सा हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट लगा और कौन सा बेकार लगा, या फिर आप अपनी चॉइस का भी फ़ोन बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर हम अपने तीसरे फ़ोन से। अगर तीसरे फ़ोन की बात करें तो हमारा आता है सैमसंग की तरफ से M30s, जिसमें आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी मिलती है और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर मिलता है। इन सारी चीज़ों से मिलकर एक बहुत ही ऑसम फ़ोन बन जाता है, जिससे कि आपको बहुत सारी खूबियाँ मिलती हैं इस फ़ोन में। और आपको इस फ़ोन को जिसमें आप लोगों को एक बड़ी बैटरी मिलती है, यानी कि 6000 mAh की बैटरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि आपको सबसे पहले इसी फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिली है, जो कि मिड रेंज में। और अगर देखा जाए तो इस फ़ोन में एक बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिलती है, जो कि आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। साथ ही साथ आप लोगों को इस फ़ोन में कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब और एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस। अगर बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो ऑक्टा कोर 2.3 GHz का आप लोगों को सैमसंग एक्सिनॉक्स 9 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 GB रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर बैटरी आप लोगों को 6000 mAh की मिलती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट ऑप्शन मिलता है। कैमरे की बात करें तो 48+8+5 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 16 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ आने वाला फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को एक स्टनिंग डिज़ाइन मिलती है और स्टनिंग लुक मिलता है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाती है देखने को। तो अगर बात करें इस फ़ोन के प्राइस की, तो ये आप लोगों को 14,999 रुपये की कीमत में मिल जाता है। और अगर देखा जाए अलग अलग स्टोर्स पे, तो आप लोगों को अलग अलग इसकी प्राइस देखने को मिलती है। तो अब बात करेंगे हम अपने यहाँ पर दूसरे फ़ोन की। अगर दूसरे फ़ोन की हम लोग अपने बात करें तो हमारा आता है यहाँ पर वीवो की तरफ से Z1 Pro। वीवो Z1 Pro आप लोगों के लिए एक इतना अच्छा फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को एक बड़ी बैटरी मिलती है, साथ ही साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर मिलता है। गेमिंग करना हो या मल्टीटास्क वर्क करना हो, सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ऑसम मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस। अगर बात करें इस फ़ोन की, तो यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही लाजवाब प्रोसेसर है। गेमिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑक्टा कोर 2.3 GHz का प्रोसेसर होता है, जो कि 4 GB रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है। डिस्प्ले आप लोगों को 6.53 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरा आप लोगों को 16+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 32 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। और अगर बात करें इस फ़ोन की, तो ये एक बहुत ही ऑसम और पावर पैक फ़ोन बन जाता है। इसके अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है, और बैटरी लाइफ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है। इसमें आप लोगों को इन डिस्प्ले कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है, जो कि होल पंच डिस्प्ले बोल सकते हैं। देखने में फुल व्यू मिलता है और बहुत ही स्टाइलिश लगता है फ़ोन, आपके फोन हाथ में बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील होगा। तो ये सारी चीज़ों के साथ एक बहुत ही ऑसम बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये आप लोगों को मिलता है 13,999 रुपये की कीमत में। तो ये कीमत में भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और देखने में बहुत ही अच्छा फ़ोन है, प्राइस के मामले में बहुत ही अच्छा है, और बैटरी और प्रोसेसर और आप लोगों का कैमरा सारी चीज़ों में बहुत ही ऑसम है। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर पहले फ़ोन की। पहला फ़ोन हमारा बहुत ही ऑसम है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिलती है, साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस, एक बड़ी बैटरी और एक ज़बरदस्त प्रोसेसर। इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक कॉम्बो पैक बनता है, जो कि एक पावर पैक फ़ोन बन जाता है अंडर 15,000 की रेंज में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Redmi Note 8 Pro की। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही ऑसम फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस।
अगर बात करें इस फ़ोन की तो ये आप लोगों को Xiaomi Redmi Note 8 Pro एक बहुत ही अच्छे प्रोसेसर के मिलता है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ मिलता है। MediaTek Helio G90T प्रोसेसर होता है जो कि octa-core 2 GHz का होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है, 6GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। यहाँ पर डिस्प्ले कर देखिए तो 6.5 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है। फुल HD जो होती है, अगर देखा जाए तो चिन और आप लोगों को बेजल्स बहुत ही पतले मिलते हैं। कैमरा परफॉर्मेंस 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट ऑप्शन मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक में मिलता है। स्प्लैश प्रूफ फोन होता है, और अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक में देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इस फोन की प्राइस की तो आप लोगों को 14,999 रुपये की कीमत में मिल जाता है। एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। तो दोस्तों अभी आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा आप लोगों को पसंद नहीं आया फ़ोन, आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं, या इसके अलावा और कौन सा फ़ोन अंडर 15,000 की रेंज में फिट हो सकता था। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दिए, शेयर कर दिए उन लोगों को जो एक बेस्ट फोन लेना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत।